माइक लेंगे आप बिना माइक के? राजकोट में कहाँ रहती हैं? राम बोलो माँ, क्या बात है आपकी? जन्म जात है उसको दिक्कत। हम बताएं? हमें तो पता है, इसमें पर्चे में आया। हम क्या, घर में अशांति, बेटी आपकी बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, पैरों में परेशानी बनी हुई है, अवस्था बहुत हो गई है, शरीर में जकड़न भी बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ। 30% लाभ धाम की कृपा से हो जाएगा, आशीर्वाद है। अभी पूजा भी बताते हैं। बहुत आप लेकिन यहां के रहने वाले नहीं, कहां के हो? कुल देवता कहीं और हैं तुम्हारे? दरिया काठी। तो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे परिचय में कुल देवता वहीं के आ रहे तो। हाँ, देवी हैं, उन्हीं को देवी ही कहते हैं, वही है, उनकी पूजा आप करिएगा। बेटी के लिए आपको जो है झाड़ा लगवाना है, यहाँ से भभूति लेनी है, भभूति से लाभ होगा, मंत्र भी इसमें लिखा, इस मंत्र के जाप से भी प्रयोग प्रभाव होगा। वाह, घर पर हम सेना भेज देंगे, 30% ही मात्र ठीक होगी, पूर्ण नहीं, लेकिन इतने में भी बालाजी दया करेंगे। फिर आपकी भक्ति और उनकी शक्ति, हम माध्यम हैं, आपकी भक्ति उनकी शक्ति। चलो माँ, चिंता ना करो, हम उपाय करें, आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चेतन आ गए दो, अब बात कैसे हो? बुलाया एक, आ गए दो, अब बात कैसे हो? अरे अरे अरे, बता रहे कुछ चेतन नीचे बैठे और कुछ पंडाल में बैठे। अब बताओ लो, अब निर्णय कैसे होगा? देखो लपड़ा फंस गओ कि नहीं फंस गओ? फंस गओ, इसका भी निर्णय होगा। अच्छा, एक काम करते, एक पर्ची में दोनों चेतन की अर्जी लगाते, पर्चा एक ही बनाएंगे, चेतन दोनों निपटेंगे, एक ही पर्चे में दोनों के प्रश्न निकलेंगे और दोनों के उत्तर भी निकलेंगे। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। लेकिन यह निर्णय कैसे हो कि किस चेतन को बुलाया? पहले तो तुम दोनों आ जाओ, एक पर्चा ये बनाया जाए, फिर अच्छा तुम दोनों नहीं हो ये हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन अब आ गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, खुश रहो, छील करके ही भेजेंगे, बैसी जाओ, तुम्हें बैसी जाओ। लेकिन चेतन ये एक भी नहीं है। पवन नाम का जिनका लड़का हो वो चेतन है, लेकिन तुम लोग तो आगे से तुम्हें तो फिर ही करेंगे ही करेंगे। एक ही पर्चे में करेंगे। राम गुरुजी, सीताराम, तुम बहुत उपद्री हो, पहले हम पे भरोसा नहीं करते।
लेकिन अब बालाजी के भक्त हो गए। हाँ हमारे नहीं बालाजी के। चलो एक चेतन की तो लिख गई कुंडली, हमने लिखा आप माइक लो थोड़ा नजदीक आओ, तुम भजन करो तब तक पूछो। प्रभु कहीं पूछू नहीं, संपूर्ण तमरा शरण में आवी गयो छु, भगवान पासे शू पूछवानो, भगवान ने बड़ी खबर छे। कहां से हो बालाजी? भगवान ने बड़ी कहां के हो? राजकोट से। इसीलिए इतने खतरनाक हो ना प्रभु, हमें हृदय मन से संपूर्ण तमरा। ये राजकोट में ही पाए जाते हैं ऐसे लोग, रोज तमरू YouTube में रोज। नहीं हमने तुम्हारी खिंचाई करी से तुम महिमा गाने लगे प्रभु। चलो प्रश्न करो, लिखा है उसमें पूछो। पूछने का जरूर सब आपको मालूम है। फिर भी इन लोगों के लिए, हमें तो इन्हें तो मालूम है, हमें नहीं रहता मालूम, हम तो लिखते। बोलो कितना? नहीं 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 खबर। अच्छा कितनी है वो हमें पता है। बुरा मत मानना, हम सही बोलते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं। आदमी हम बहुत कड़क आदमी है, भगवान नहीं, नहीं हम मूर्ख हैं, भगवान नहीं है ना, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं, भगवान नहीं है ना, हम कोई परमात्मा है ना, हम कोई शक्तिमान है। घर में हैरानी, कर्ज बना हुआ, बहुत परेशान है। है क्या कर्जा? कर्ज बना जिसकी चुकती का मूल प्रश्न लेकर आए हैं, 5,80,00,000 से ऊपर का है, चुक जाएगा, आशीर्वाद है। सही में है? बिल्कुल सही है। तो आपने तो उतरो से। अच्छा तुम्हारी गलती से यह हुआ है कर्जा, निर्णय गलत हुए हैं, उपद्रवी भी बहुत हो, गलतियां सुधारो, 2028 तक चुकेगा, लेकिन राहत आपको 4 महीने बाद शुरू होगी, बालाजी दया करेंगे। त्रुटियां हम बोल नहीं रहे, लेकिन तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, ये सब चीज़ें बीच बीच में हो जाती हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, ये बिल्कुल बंद करना है, हमें शिकायत ना मिले, होटलों पे जाना बंद हो जाए, नहीं तो हम अगली बार तुम्हारी इंटरनेशनल धुनाई करेंगे। अब तुम समझ जाओ, जब हमें जो पता चल गया तो तुम्हारी क्या क्या रहस्य पता नहीं है, समझ गए तुम? हमारा वाईफाई बहुत तेज है माई डियर, बहुत तेज है हमारा भाई। सीताराम, नया काम भी तो करना है, नया माइक ले, नया काम भी तो करना है, उसकी भी तो आपने तैयारी की है, कर लो। एक मित्र भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, हाँ एक पार्टनर भी सपोर्ट कर रहा है, आप करो, आज्ञा लगी है और गुरु जी कह रहे हैं कि करना चाहिए, और जाओ, उसी से तुम्हारे कर्ज का रास्ता खुलेगा। ये गलतियां लौट करके नहीं करनी है, बुद्धि बहुत विचलित हो जाती, भक्त बहुत हो, भगवान के प्रति समर्पण बहुत है, लेकिन गलत निर्णयों के कारण 2018 से लगातार उपद्रव मचा हुआ है, 2020 के बाद आर्थिक तंगी लगातार हो गई है, जो आपका 4 महीने बाद सुधार होने लगेगा, बालाजी की करुण कृपा होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक ले लो, माइक से बोलो। कोई संदेह? नहीं संदेह। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं प्रभु। अब हमने जो शिकायत लिखी थी बातों ना मिले, हम फिर से राजकोट आ रहे हो, लो ये आपकी अर्जी कार, जाओ कचरा, यही में मंत्र लिखो, साहब लिखो, नीचे पढ़ो। अच्छा नहीं नहीं फटो, ओम लिखो, एम लिखो, आगे बिल्कुल लिखो, ये ऊपर लिख दे, हाओ प्रभु जैसी आज्ञा। तुम्हारी अर्जी भी उन्हीं के कारण लग गई, नहीं तो हमें बुलाने भी नहीं था, तुम चेतन की तुम्हारी लगी ही नहीं थी, वो तो जिसकी लगी थी आगे क्या वो। हाँ हाँ तुम्हारा नाम चेतन और पवन, ये बालक है, हाँ तो इनकी अर्जी ये लगी थी। हाँ हमारे पास तो फैक्ट रहता, बिना फैक्ट के थोड़ी बोलते हैं, तो हमारा वाईफाई बहुत स्ट्रांग, लेकिन तुम्हारे घर वाले बहुत मानते हैं बागेश्वर धाम को, ठीक है, उन्हीं के कारण तुम्हारी अर्जी लगी है, आशीर्वाद।
આવો माइक लो भाई साहब, कहां से आए? मोरबी से। हैं? मोरबी से। मोरबी कच्छ नहीं, भुजवाली है? नहीं, भुजवाली नहीं, यहीं कहीं है क्या? यही। अच्छा, पूछो क्या बात। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, बस इसलिए। अच्छा, क्या नाम है उसका? शिवांगी। शिवांगी, और कोई बात? नहीं, और कोई। परिवार ठीक रहेगा, बेटी को जन्म दिवस की यहाँ से भी शुभकामनाएं। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर महाराज की। जरूरी नहीं है समस्या ही लिखकर आवे, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे पर्चे के अलावा एक शब्द यहां वहां बोल लो। यही हनुमान जी की कृपा की ताकत है। किसकी ताकत है? लेकिन एक प्रश्न बोलेंगे हम। परिवार एकता बनी रहे, कलेश बहुत हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो हमने रखा आपका परिवार एक रहेगा जो समस्या मूल लेकर आए, इस मंत्र के जाप से व घर पर हनुमान दादा का झंडा लगाने से एक रहेगा, आपकी बच्ची सदैव प्रसन्न रहेगी, पेट की पीड़ा जो बीच बीच में बन जाती है बच्ची को, माइक ले लो, उल्टी होने लगती वो नहीं होगी, वह जीवन उसका दीर्घायु हो, आपका नाम रोशन करे, आशीर्वाद है। खुश रहो तुम। जय श्री राम। एकदम सही, कोई संदेह? हाँ चलो।